देखिए इसमें कुछ चीज़ था जिसमें हम लोग लिखे थे, पहला ग्राफ्टिंग मेथड हम लोग देख लिए थे, ए सेक्सुअल में देखे थे ना ग्राफ्टिंग, लेयरिंग भी हो गया था, ग्राफ्टिंग लेयरिंग ये सब हो गया था मेथड। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने लिखा था वह कौन सा था, टिशू कल्चर, इसको टिशू प्रवर्धन, उत्तक प्रवर्धन हिंदी में कहा जाता है। तो टिशू कल्चर क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, टिशू कल्चर मेनली हम लोग करते थे शुरू के दौर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए, अलैंगिक जनन कराने के लिए, जिसमें किसी भी जीव का एक शरीर का उत्तक निकाल लिया जाता था, ठीक है, टिशू निकाल लिया जाता था और उस टिशू को किसी द्रव्य में डाल करके उसे उसके फेवरेबल कंडीशन में रखा जाता था और फिर धीरे धीरे वह टिशू जो होते रहता था क्या होता था, ग्रो कर जाता था, विकसित हो जाता था, और जब वो विकसित हो जाता था तो अपने जनक के जैसा ही बन जाता था, इसलिए उसको क्लोन बोला गया। तो टिशू कल्चर में किसी जीव का शरीर का टिशू निकाला गया, उसे रखा गया फेवरेबल कंडीशन में और धीरे धीरे वो ग्रो कर गया तो उसको टिशू कल्चर कहा गया। अब मानव शरीर में कई सारे ऐसी कोशिकाएं हैं जो क्या करती हैं, ग्रो कर जाती है, तो टिशू कल्चर में ये किया गया, मुख्यतः यह ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट था, लेकिन आगे चल करके वैज्ञानिकों के मन में आया कि क्या इसे एनिमल्स में किया जा सकता है। अब एनिमल्स में करने के लिए सबसे पहले एक भेड़ के प्रजाति का निकाला गया, क्या निकाला गया, टिशू, ठीक है, एक भेड़ का टिशू लिया गया और उसके फेवरेबल कंडीशन में उसको क्या किया गया, रखा गया, और वो भेड़ धीरे धीरे क्या किया गया, उससे नया भेड़ एक तैयार किया गया, क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा एक नया भेड़ उससे बनाया गया और उस भेड़ का क्या नाम रखा गया, डॉली। तो डॉली नामक जो भेड़ थी वो कुल 7 साल लगभग वो जिंदा रही थी और 7 साल के बाद उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। बाद में इसका प्रयोग अन्य जानवरों पर भी किया गया, खरगोश पर किया गया था, बैल पर किया गया था, है ना, चूहा पर किया गया था, इन सब पर इसका प्रयोग किया गया था और नए ऑर्गेनिज्म इससे बनाए गए थे, लेकिन विश्व के सभी देशों में ह्यूमन बींग्स पर टिशू कल्चर वैध नहीं है, अवैध है, इलीगल है, यानी हाँ इलीगल है। टिशू कल्चर जो है वो ह्यूमन पर प्रयोग कर करके नया इंसान नहीं बनाया जा सकता, अगर ये आ जाए तो क्राइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए टिशू कल्चर का प्रयोग एनिमल्स में पर रिसर्च के लिए किया गया लेकिन ह्यूमन पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो टिशू कल्चर उतना ही था। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ह्यूमन में, तो ए सेक्सुअल समझ गए। ए सेक्सुअल मुख्यतः इसमें आपको 3 बात आपका काम का है जो आपको याद रखना है। पहला क्या याद रखोगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान जन्म लेगा वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होगा, इसलिए उसे क्लोन बोलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है, उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो एक जनक के द्वारा तैयार होगा या फिर उसका प्लांट बॉडी सिंगल प्लांट बॉडी से जन्म लेगा, यानी 2 विपरीत लिंग वाले जीव की आवश्यकता ए सेक्सुअल में नहीं है। और तीसरा क्या याद रखना है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक नहीं बनता है, गैमिट का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, वहां पर गैमिट का भी फॉर्मेशन होगा, मेल एंड फीमेल 2 पेरेंट्स की जरूरत होगी और पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग जो होगा संतान अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होगा, ये याद रहेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन जीवों में होता है, तो जो छोटे जीव होते हैं, अब उसमें याद कुछ कुछ कर लेना है आपको, हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है, हाइड्रा में लिखा था ना, क्या होता है, बडिंग होता है, जिसको मुकुलन हिंदी में कहा जाता है, ये सब विधि से होता है, ठीक है। कुछ जीव जो है उसमें क्या होता है, रीजेनरेशन होता है, तो रीजेनरेशन किस में होता है, रीजेनरेशन किस में, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा में क्या हो जाएगा, रीजेनरेशन हो जाएगा, उसके शरीर के आप किसी भी भाग को कहीं से काट दीजिए वहां से वो नया ऑर्गेनिज्म जो होगा वो तैयार हो जाएगा, तो ये सब होता है, ठीक है। तो ए सेक्सुअल में इतना ही था। अगला हेडिंग बनाइएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, टिशू कल्चर हो गया, वही था ए से जो रिप्रोडक्शन लिखा है ना, ए सेक्सुअल में ग्राफ्टिंग लेयरिंग, उसी में टिशू कल्चर भी है, उसका डिफिनेशन नहीं लिखना है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखिएगा। डैश दे करके लिखिएगा, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द मोड, इसको नीचे कर दिया, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोड्यूस देयर फीटस ना, ये नहीं लिखना, हम हिंदी बोलेंगे, इसको समझा देंगे खाली, ठीक है, इससे रिप्रोड्यूस देयर फीटस बाई
रिप्रोड्यूस देयर फीटस बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, अब एक छोटा सा हिंदी वाले लोग लिखेंगे, इंग्लिश वाले लोग हेडिंग बना लेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे, वह प्रजनन जिसमें नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन द्वारा अपने संतान को जन्म देते हैं ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। में पहला लिखिएगा टेस्टिस। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे वृषण, टेस्टिस। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, अ पेयर ऑफ ग्लैंडुलर मतलब ग्रंथि युक्त ग्लैंडुलर ओवल शेप ऑर्गेन प्रेजेंट इन स्क्रोटम कॉल्ड टेस्टिस। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, वृषण एक ग्रंथि युक्त संरचना है जो स्क्रोटम नामक झिल्ली के भीतर बंद होता है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द मेन फंक्शन ऑफ स्क्रोटम इज मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 degree Celsius, 2 से 2.5 degree Celsius, 2 to 2.5 degree Celsius ऑफ टेस्टिस, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 से 2.5, 2 to 2.5 degree Celsius below than normal body temperature। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, स्क्रोटम का मुख्य कार्य वृषण के तापमान से इतना लिख लो, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंडोक्राइन सेल ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेज इन मेल
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेज इन मेल। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, वृषण की अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा, वृषण की अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों हेतु, टेस्टोस्टेरॉन, तुम हार्मोन नहीं पढ़ा था, हिंदी वाले कहां तक लिखे थे, स्रावित होता है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को तैयार करता है, तैयार करता है। ठीक है, अब देखो इसमें पहला हम लोगों ने किसके बारे में लिखा है, टेस्टिस। टेस्टिस को क्या बोलते हैं हिंदी में, वृषण। ठीक है, तो वृषण जो होता है इसका निर्माण मनुष्य के शरीर में, मेल बॉडी का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, जहां वृषण लिखे हो ना वहां लिख लेना प्राइमरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। ठीक है, और इसके बाद इससे जुड़ा हुआ जितना भी सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन। क्यों कहते हैं इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, क्योंकि यह मेल बॉडी में गैमिट भी प्रोड्यूस करता है और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। तो टेस्टिस गैमिट कौन सा प्रोड्यूस करता है, स्पर्म सेल। ठीक है, जो कि पाया किस में जाता है, सीमेन में। तो सीमेन में और भी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुल सीमेन का 10% भाग जो होता है वह क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, सीमेन में जो 10% पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है। और इस स्पर्म को बनाता कौन है, टेस्टिस। ठीक है, साथ ही साथ टेस्टिस क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टिस का दो काम हो गया, गैमिट प्रोड्यूस करना और टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करना। क्लियर है, अब ये टेस्टोस्टेरॉन कब बनाएगा टेस्टिस, तो आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी इन मेल, दैट इज 12 से 14 साल। तो मेल प्यूबर्टी का एज कितना है, 12 से 14 साल। और इसी अवस्था में मानव शरीर का जो प्यूटिट्री ग्लैंड है, प्यूस ग्रंथि, वो भी एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं FSH, और दूसरा हार्मोन है LH। FSH और LH जो दोनों GTH हार्मोन के अंतर्गत आते हैं, FSH और LH किस हार्मोन के भाग हैं, GTH। GTH मतलब गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, इसको कौन सेक्रेट करता है, प्यूटिट्री ग्लैंड। कब सेक्रीट करेगा, इस एज में, 12 से 14 साल में। और इसमें कितने हार्मोन है, दो, FSH और LH। तो FSH हार्मोन जो है इसको हम लोग कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यह मेल में जिस प्रक्रिया को शुरू करता है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। और फीमेल में जिस प्रक्रिया को शुरू करता है उसको कहते हैं ऊजेनेसिस, जिसको कहते हैं अंडाणु जनन। तो FSH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग और बिगिनिंग द ऊजेनेसिस इन फीमेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब शुक्राणु जनन, शुक्राणु का निर्माण करना, और ऊजेनेसिस का मतलब अंडाणु का निर्माण करना। कौन हार्मोन कराता है, FSH। क्लियर है, और LH जो है जिसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करते हैं, ये क्या काम करता है, तो यह स्टिमुलेट करता है मेल में टेस्टिस को टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए, और फीमेल में क्या बनाने के लिए, एस्ट्रोजेन बनाने के लिए। याद रहेगा, ठीक है। तो टेस्टिस जो है इसका दो काम हो गया, पहला काम क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और दूसरा क्या काम हो गया, सेक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, इसलिए यह ग्लैंड भी है। अब टेस्टिस मानव शरीर में बनेगा कब, तो मेल बॉडी में यह बनता है जब इम्ब्रियो कितने साल की और कितने महीने की अवस्था में रहे, तो लगभग यह 3 से 4 सप्ताह में रहता है। ठीक है, 3 से 4 सप्ताह के भीतर, या 5 सप्ताह भी कई जगह लिखा जाता है, लगभग 5 वीक का जब इम्ब्रियो रहता है तो उसके किडनी के पास, कहां पर, किडनी के पास किसका निर्माण होता है, टेस्टिस का। बनता कहां है, किडनी के पास।
और धीरे धीरे वो जो वो क्या होता है शरीर से के निचले हिस्से में आना शुरू हो जाता है और शरीर से बाहर स्क्रोटम नामक मेम्ब्रेन के पास घिर जाता है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी जन्म लेते हैं जिनका टेस्टिस वेल डेवलप नहीं हो पाता और वो किडनी के नीचे ही रह जाता है, वो शरीर से बाहर नहीं आ पाता, तो वो डिसऑर्डर वाला है, उनमें टेस्टिस उनका इमैच्योर ही रह जाता है, ये भी केस देखा जाता है। तो टेस्टिस किस मेम्ब्रेन के अंदर बंद है? एस्क्रोटम। मेम्ब्रेन का नाम याद रखना है, क्या है? एस्क्रोटम, ठीक है। और एस्क्रोटम का काम क्या है? तो टेस्टिस के तापमान को शरीर के तापमान से कितना कम रखना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना तापमान टेस्टिस का कम नहीं रहे शरीर से तो स्पर्म जो है वो जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है, डेड हो जाएगा। टेस्टिस शरीर से बाहर रहने का भी मतलब यही है कि इसका तापमान शरीर के तापमान से क्या रहे? कम रहे, ठीक है। शरीर के भीतर रहता तो तापमान कितना हो जाता? 37 डिग्री सेल्सियस, और इक्वल टेम्परेचर आ जाता तो मेंटेन नहीं हो पाता स्पर्म टेस्ट सीमेन के भीतर। तो ये सारा इसका काम है। तो टेस्टिस में क्या होता है, कई सारे इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम करता है जिसके कारण ये सेक्रेट करता है, क्लियर है। तो टेस्टिस को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन में दूसरा लिखिएगा वास डिफरेंस, टेस्टिस के बाद दूसरा लिखिएगा वास डिफरेंस, VAS, वास डिफरेंस, VASDEFERENCE, वास डिफरेंस, डैश दे करके लिखिएगा। इट कंडक्ट एंड स्टोर स्पर्म, इट कंडक्ट एंड स्टोर स्पर्म, हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह शुक्राणुओं को कंडक्ट को कहेंगे संवहन, शुक्राणुओं को संवहित करता है तथा उन्हें जमा रखता है, हो गया, तथा उन्हें क्या करता है? जमा रखता है। किसे? शुक्राणुओं को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा और जमा करेगा। तो टेस्टिस किस मेम्ब्रेन के अंदर है? स्क्रोटम। और टेस्टिस से दोनों साइड से एक ट्यूब निकला हुआ है, एक डक्ट निकला हुआ, उस डक्ट का क्या नाम? जैसे आपको याद होगा किडनी, हमने जो आपको पढ़ाया था, तो जो किडनी होता है किडनी से कौन सा ट्यूब निकला रहता है? इस ट्यूब को क्या कहते हैं? यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर। यूरेटर आकर के ओपन कहाँ पर होगा? यूरिनरी ब्लैडर किसके थ्रू ओपन होगा? यूरेथ्रा। वैसे ही जो टेस्टिस है उस टेस्टिस से कौन सा ट्यूब निकला हुआ है? वास डिफरेंस, ठीक है। अब वास डिफरेंस क्या काम करेगा? टेस्टिस जो स्पर्म बनाएगा उस स्पर्म को कैरी करेगा और आगे पहुंचाएगा, ठीक है। स्पर्म को क्या करेगा? कैरी करेगा और आगे पहुंचाएगा, तथा इसको स्टोर भी करता है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं पुरुष नसबंदी। क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी। तो पुरुष नसबंदी जो प्रोसेस होता है इसमें इसी भास डिफरेंस को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। और भास डिफरेंस को काट करके इसे कॉपर वायर से क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। कॉपर वायर से ही क्यों बांधा जाता है? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो भास डिफरेंस को क्या करना? काट देना और उसे कॉपर वायर से बांध देना, ताकि स्पर्म जो टेस्टिस प्रोड्यूस करे वो आगे नहीं आए, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं पुरुष नसबंदी और अंग्रेजी में कहते हैं वासिक टॉमी। क्या कहते हैं? वासिक टॉमी। टॉम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? काटना, ठीक है। तो भास डिफरेंस को काट देना क्या कहलाता है? वासिक टॉमी। इंग्लिश वाले लोग एक पॉइंट लिखेंगे, वासिक टॉमी इज द प्रोसेस, वासिक टॉमी इज द प्रोसेस इन विच वास डिफरेंस इज कट बाय सर्जिकल मेथड एंड बाइंड इट विथ कॉपर वायर। हिंदी वाले लोग लिखेंगे पुरुष नसबंदी
पुरुष नसबंदी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वासेक्टोमी, वासेक्टोमी VASECTOMY, वासेक्टोमी एक शल्य क्रिया है, तलाव्य स आधा ल य, शल्य क्रिया है, शल्य क्रिया मतलब सर्जरी, शल्य क्रिया है जिसमें भास डिफरेंस को काट कर उसे तांबे के तार से बांध देते हैं। हो गया क्लियर है? नेक्स्ट लिखिएगा यूरेथ्रा, तीसरा, थर्ड लिखेंगे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में डैश देकर के लिखिएगा इट इज अ थिक वाल, मस्क्यूलर डक्ट एंड इट इज अ कॉमन पासेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह एक मोटी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ संरचना है जो सीमेन तथा यूरिन दोनों का परिवहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट ट्रांसवर्स एंड ओपन एट द टिप ऑफ द पेनिस। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह शिश्न, ब्रैकेट में लिख लेंगे पेनिस के अग्रभाग पर खुलता है। हो गया, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। इसमें पहला लिखेंगे ओवरी, डैश देकर के लिखिएगा दिज सिचुएटेड नियर द किडनी, यह किडनी के नजदीक स्थित होता है। दिज सिचुएटेड नियर द किडनी। अगला पॉइंट लिखिएगा इट प्रोड्यूस ओवम एंड सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेन। यह अंडाणुओं का निर्माण एवं एस्ट्रोजेन हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब। हिंदी में इसको कहते हैं फैलोपियन नलिका
फैलोपियन ट्यूब, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इट एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू द यूटेरस, यह अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ता है, यह अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट कंडक्ट एग एंड प्रोवाइड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यह अंडाणुओं का परिवहन एवं निषेचन का केंद्र है, अंडाणुओं का परिवहन एवं निषेचन का केंद्र है। हो गया, क्लियर है। अब ओवरी जो होता है कितना पेयर है, एक पेयर है। ओवरी से कौन सा डक्ट निकला हुआ है, कौन सा ट्यूब, इसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। एक और इसका नाम रखा जाता है क्या, ओभी डक्ट, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, ओभी डक्ट, दो नाम से इसको जाना जाता है। अब ओभरी का क्या काम है, एक पहला काम इसका हो गया क्या, गैमिट बनाना, और गैमिट बनाने में हमने आपको बताया कौन सा हार्मोन मदद करेगा, FSH। कब यह हार्मोन सेक्रेट होगा, तो एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद, जो कि कितना है, 10 से 12 साल। तो पहला तो यह गैमिट बनाएगा, गैमिट में क्या बनाएगा, यह कौन सा गैमिट, ओवम बनाएगा। दूसरा यह क्या बनाएगा, हार्मोन में मुख्यतः यह तीन हार्मोन बनाता है, जिसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पहला हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजेन। इसके कारण मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं, जिसमें आपका ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा, ठीक है, और डेवलपिंग ऑफ यूटेरस आ जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो एक तो एस्ट्रोजेन होता है, दूसरा कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन, कौन सा, प्रोजेस्ट्रॉन, और तीसरा एक हार्मोन कौन सा होता है, रिलैक्सिन। तो यह तीन हार्मोन कौन सा सेक्रेट करता है, ओवरी। रिलैक्सिन क्या काम करेगा, तो बर्थ के समय लेबर पेन को डिक्रीज करता है, यही ना करता है, शिशु के जन्म के समय लेबर पेन को कौन कम करता है, रिलैक्सिन। प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजेन दोनों एक ही तरह का कार्य करते हैं, क्लियर ना। तो यहां पर जो ये ओभम बनाया, कौन बनाया, ओवरी। तो जो ओभम ओवरी बनाया, वह ओभम किस ट्यूब के द्वारा फ्लो होकर के नीचे आएगा, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा या ओविडक्ट के द्वारा। तो ओविडक्ट पहला काम क्या करेगा, एक जो कि बना उसको फैलोपियन ट्यूब के द्वारा आगे बढ़ाएगा। दूसरा काम क्या करता है, जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को डिफाइन कैसे किया जाएगा, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, निषेचन किसे कहेंगे, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओभम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओभम का और स्पर्म का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहलाता है। तो इस निषेचन का भी केंद्र कौन है, फैलोपियन ट्यूब है। निषेचन कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, याद रहेगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब। और कई बार जो एग यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आया, यह कितना देर यहाँ पर जीवित रह सकता है, तो लगभग 18 घंटे के आसपास तक यहाँ पर एग जीवित रह सकता है इस फैलोपियन ट्यूब में। और 18 घंटे तक रहा यह एग फैलोपियन ट्यूब में और यहाँ पर फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, यानी वह स्पर्म सेल से फ्यूज नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, फिर यह यूटेरस में आकर के यूटेरस के वाल को डिक्रीज करेगा, यूटेरस के वाल को तोड़ेगा और ब्लड और म्यूकस के साथ शरीर से एक्सक्रीट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर हुआ। तो ओवम को पास कौन करता है, फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, दो चीज। तीसरा चीज, जैसे मेल में भास डिफरेंस था, उसी भास डिफरेंस के तरह फीमेल में क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो मेल में भास डिफरेंस को काट रहे थे तो क्या बोल रहे थे, वासेक्टोमी। तो जो महिला नसबंदी होता है, उस महिला नसबंदी में अगर प्रश्न पूछे किस ट्यूब को काटा जाता है, तो क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब। और महिला नसबंदी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी, यानी कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो लिखेंगे पॉइंट, ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल प्रोसेस, ट्यूबेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसेस इन विच
फैलोपियन ट्यूब कट एंड बाइंड विथ कॉपर वायर, हिंदी वाले लोग लिखेंगे महिला नसबंदी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी वह प्रक्रिया है जिसमें महिला नसबंदी वह प्रक्रिया है जिसमें, ब्रैकेट में लिख लिए थे ना ट्यूबेक्टॉमी, जिसमें फैलोपियन नलिका को, फैलोपियन लिखा हुआ है यहां पर FALLOPIAN, फैलोपियन नलिका को काट कर उसे कॉपर वायर से बांध देते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा फैलोपियन ट्यूब के बाद यूटेरस, तीसरा लिखेंगे यूटेरस, इसको गर्भाशय भी कहते हैं, यूटेरस या गर्भाशय, इसमें डैश दे करके लिखिएगा इट इज सिचुएटेड अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड अटैच्ड टू द बॉडी बाई लिगामेंट्स, हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह यूरिनरी ब्लैडर के पास स्थित होता है, तथा लिगामेंट जान ही रहे हो, टेंडन लिगामेंट बताया था ना, लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, बोन को किससे, बोन को बोन से, तो जोड़ने का काम करता है, तो लिगामेंट से जुड़े रहते हैं, क्या लिखे थे हिंदी वाले, शरीर से जुड़ा होता है, लिगामेंट द्वारा शरीर से जुड़ा होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा दीवाल ऑफ यूटेरस इज कंपोज्ड बाई स्मूथ मसल्स कॉल्ड मायोमेट्रियम, हिंदी वाले लोग लिखेंगे गर्भाशय की दीवार एक कोमल झिल्ली द्वारा बनी होती है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है MYOMETRIUM, मायोमेट्रियम कहते हैं। आगे लिखिएगा इट रिसीव ओभा और एग, यूटेरस फीटस गेट अटैच्ड बाई प्लासेंटा, हिंदी वाले लोग लिखेंगे गर्भाशय में शिशु
प्लासेंटा से जुड़ा होता है, प्लासेंटा से जुड़ा होता है। चलो क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें? फैलोपियन ट्यूब किस में ओपन होगा? यूरेटर में किस में? यूटेरस में। फैलोपियन ट्यूब किस में ओपन होगा? यूटेरस में। और फैलोपियन ट्यूब जो ओभा बना रहा है वह ओभा फर्टिलाइज्ड अगर होना होगा तो कहां पर फर्टिलाइज्ड हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो कहां पहुंच जाएगा? यूटेरस में। और यूटेरस में पहुंच गया तो क्या रहा? अनफर्टिलाइज्ड ही रहा ना। तो अनफर्टिलाइज्ड रहेगा तो क्या करेगा? तो यूटेरस का वाल किसका बना हुआ है? मायोमेट्रियम का, और कुछ म्यूकस का भी मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे इंडोमेट्रियम भी कहते हैं। तो दो चीजें पाई जाती हैं यूटेरस के वाल में, एक मायोमेट्रियम और एक म्यूकस का में पाया जाता है लेयर, उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम जो दोनों है उसको एक क्या करता है? उसको तोड़ता है, और तोड़ करके ब्लड तथा म्यूकस के साथ बाहर शरीर से निकलता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, ठीक है, जिसका एक चक्र चलता है, आगे उसको भी मेंशन करा देंगे, लिखा देंगे, इतना में कोई दिक्कत। अब इम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होगा, अगर प्रश्न रहे जाइगोट कहां पर बनेगा, तो फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? फैलोपियन ट्यूब में। तो जाइगोट का भी निर्माण कहां पर होगा? वहीं होगा। और जाइगोट इम्प्लांट कहां हो जाता है आकर के? यूटेरस में। यूटेरस लोकेटेड कहां है? जस्ट अबव द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक ऊपर है। वहां पर फैलोपियन ट्यूब के द्वारा अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट का निर्माण हो गया, तो जाइगोट बनेगा फैलोपियन ट्यूब में, आकर के स्टोर कहां होगा, जमा कहां हो जाएगा? वो यूरेटस में, गर्भाशय में, यूटेरस में। और फिर अपने लैक्टेशन पीरियड को वह पूरा करेगा, और उसके बाद जो कि 9 to 9.5 मंथ ह्यूमन में होता है, उसको पूरा करने के बाद वो बर्थ लेता है। आई बात समझ में? तो डेवलपमेंट जो पूरा का पूरा होगा फीटस का, इम्ब्रियो का, वह कहां पर होता है? यूटेरस में होता है। क्लियर है? यूटेरस में होगा। दूसरा बात, यूटेरस में ही क्या रहता है? प्लासेंटा। यूटेरस जो होता है, यूटेरस का जो वाल है जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं, उसके इनर वाल, उसके और अंदर से एक डक्ट निकलता है जिस डक्ट को हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। और प्लासेंटा के थ्रू इम्ब्रियो और मदर बॉडी दोनों क्या रहता है? कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। आई बात समझ में? तो प्लासेंटा होता है जिसके थ्रू नरिशमेंट पाइप, पोषक तत्व कौन प्राप्त करता है? फीटस प्राप्त करता है मदर बॉडी से। ब्लड कनेक्ट भी इसी के थ्रू होता है। क्लियर है? चलिए एक और पॉइंट लिखिएगा आगे। गैमिटोजेनेसिस तो ऑलरेडी हम लोग लिख लिए हैं ना, गैमिटोजेनेसिस पहले लिखे थे ना, गैमिटोजेनेसिस हार्मोन में पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? गैमिटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में ऊजेनेसिस। लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? हार्मोन नहीं पढ़ा है? कॉपी देखो, कॉपी एक बार देखिए है कि नहीं है, नहीं है तो लिखा देंगे। जल्दी देखिए, लिखा दिया है ना, ठीक है। ऊजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओभम इन फीमेल बॉडी आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी बाय द हेल्प ऑफ एफएसएच हार्मोन, इसको क्या कहते हैं? ऊजेनेसिस, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी बाय द हेल्प ऑफ एफएसएच हार्मोन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? तो यही तो दो लाइन था इसमें, चलिए लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज इसमें डैश देकर के लिखिएगा। इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम
ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम टेक्स प्लेस विच रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ ब्लड विच रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ ब्लड हिंदी वाले लोग लिखेंगे जब अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता तो यह गर्भाशय ग्रीवा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंडोमैट्रियम को तोड़कर रक्त के साथ बाहर निकलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज कंट्रोल्ड बाय एफ एस एच कॉमा एल एच कॉमा इस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तीनों हजार हार्मोन का नाम सुना हुआ लग रहा है, नया हार्मोन कोई बोल रहे हैं वैसे कर रहा है सब क्या क्या। चलो नेक्स्ट लिखना, हिंदी वाले लोग लिखना, यह एफ एस एच कॉमा एल एच कॉमा एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रॉन द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द मेंस्ट्रुअल साइकिल रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्भधारण के दौरान नहीं होती। नोट में अब एक पॉइंट लिखिएगा, ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आर स्टॉप्ड परमानेंटली कॉल्ड मेनोपॉज। MENOPAUSE मेनोपॉज। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, अंडाणुओं का निर्माण तथा मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना मेनोपॉज कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नोट का ही दूसरा पॉइंट, इट अकर्स अराउंड 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज। यह 45 से 50 वर्ष की अवस्था में होता है। 45 से 50 वर्ष की अवस्था में होता है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन दिस एज कॉमा वीमेन, इन दिस एज वीमेन लूज दी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, लूज दी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, हिंदी वाले लोग लिखेंगे इस अवस्था में स्त्री जनन की क्षमता खो देती है, नोट का ही चौथा पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न फ्रॉम BORN, बॉर्न फ्रॉम दी ओवम फर्टिलाइज्ड इन विट्रो VITRO विट्रो एंड देन इम्प्लांटेड इन द वीमेन्स यूटेरस हिंदी वाले लोग लिखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के लिए स्त्री के अंडाणु को लेकर उसे परख नलिका में शुक्राणु द्वारा निषेचित कर निर्मित हिंदी में युग्मज कहते हैं जाइगोट को, युग्मज ब्रैकेट में जाइगोट लिख लीजिएगा, जाइगोट को गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। हो गया क्लियर है। अब देखो एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है समझिएगा, टेस्ट ट्यूब जो बेबी होता है इसमें अब कोई स्त्री है मान लो, उसका जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से ओभम जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, नहीं आ रहा, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो उस केस में क्या किया जाता है, उसके ओभम को सर्जरी के माध्यम से शरीर से निकाल लेते हैं और उसके मेल स्पर्म को लेकर के, ठीक है, मेल स्पर्म को लेकर के विट्रो में परख नली में उसको क्या किया जाता है, निषेचित कर दिया जाता है शरीर के बाहर, और निषेचित कर करके उसे फेवरेबल कंडीशन में तब तक रखा जाता है जब तक जाइगोट नहीं बन जाए, और जैसे ही जाइगोट बन जाएगा तो उस जाइगोट को फिर से सर्जरी के माध्यम से कहाँ डाल दिया जाता है, यूटेरस में, गर्भाशय में, यानी फ्यूजन जो होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो शरीर से बाहर होगा, इसी को क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने की स्थिति में अंडाणु को महिला के शरीर से बाहर निकाल करके पुरुष के शुक्राणु से परख नली में मिला करके जाइगोट तैयार किया जाता है, और उस जाइगोट को जब वह मैच्योर थोड़ा होने लगेगा तब उसको कहाँ प्लांट कर दिया जाता है, यूटेरस में, गर्भाशय में, और यूटेरस में जब वो चला जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होगा तो 9 से 9.5 महीने के बाद इम्ब्रियो धीरे धीरे बर्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन कहा किया जाता है कहाँ पर, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, उसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको बोला जाता है पूरा IVF, इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको परख नली में किया जाता है, समझ गए, यानी जाइगोट बनाने के लिए IVF किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इतना ही था इसमें, अब इसको एक बार फटाफट देख लो नोट्स से, प्लांट वाला तो लिखा ही नहीं, डायरेक्ट एनिमल वाला हो गया,
पहले उसको देख लेते हैं फिर यहाँ समझा देंगे। देखिए रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, पहला पॉइंट क्या है, मनुष्य एक लिंगी जीव है। एक लिंगी का मतलब क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल, यानी मेल एंड फीमेल बॉडी सेपरेट, ठीक है, दोनों क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। अतः नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग व्यक्ति में पाए जाते हैं, ये पॉइंट याद रहेगा, यूनिसेक्सुअल रहेगा ना एक लिंगी। आगे मनुष्य का जनन अंग लगभग 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है, जिसे हमने लिखवा दिया 12 से 14 साल की एज, प्यूबर्टी एज है, आयु में परिपक्व और क्रियाशील हो जाता है। 13 से 19 वर्ष की अवस्था मनुष्य वयस्क होने की प्रक्रिया को पूरी कर लेता है। इस उम्र में किशोरावस्था यानी टीन एज प्रारंभ हो जाता है, या इसे टीन एज कहते हैं। किशोरावस्था प्रारंभ होते ही पीयूष ग्रंथि, मतलब प्यूटिट्री ग्लैंड, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का स्राव शुरू होने लगता है तथा मनुष्य में लैंगिक विकास यानी सेक्सुअल डेवलपमेंट होने लगता है और प्यूबर्टी में शरीर में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं। यानी किशोरावस्था में शरीर में जो बदलाव होता है उसको क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। जैसे एडम सेप्पल का क्या हो जाना, बाहर निकल जाना, आवाज की फ्रीक्वेंसी और पिच का क्या हो जाना, बढ़ जाना, मोस्टेक बियर्ड्स का आ जाना, दाढ़ी मूछों का आ जाना, ठीक है, फीमेल में यूटेरस का डेवलप होना शुरू हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आ जाना, ये सब किसके सिम्टम्स होते हैं, प्यूबर्टी के। कोई दिक्कत इस पॉइंट्स में, चलिए नेक्स्ट आइए। नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, पहला ऑर्गेन क्या है, टेस्टिस। तो टेस्टिस में क्या लिखा है, यह पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन पूछा जाए तो क्या क्या कहिएगा, भास डिफरेंस क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन है, ठीक है। यूरेथ्रा जो हो गया वो क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन हो गया। यूरेटर जो हो गया क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन हो गया। तो प्रमुख जनन अंग है मनुष्य में एक जोड़ी टेस्टिस का निर्माण जन्म के तीसरे या चौथे महीने में किडनी के पास होता है। धीरे धीरे दोनों टेस्टिस नीचे उतरता है और जांघों के बीच स्क्रोटम सैक थैली में बंद हो जाता है। अगर कारणवश टेस्टिस स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाए, देखो जो डिजीज हम कह रहे थे उसका नाम लिखा हुआ है क्रिप्टोकिडिज्म, क्रिप्टोकिडिज्म डिजीज कहते हैं। इस प्रकार के टेस्टिस अविकसित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिस में शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, जिसे जिसमें शुक्राणु तैयार होता है। शुक्राणु मेल गैमिट कहलाते हैं, यानी नर युग्मक कहलाते हैं, क्लियर है। ये वाला पॉइंट याद करने का बहुत जरूरी नहीं है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। टेस्टिस शुक्राणु किसमें बनेगा, टेस्टिस में, आपके लिए इतना ही है, नीट वगैरह में सब ज्यादा जरूरत पड़ता है। आगे क्या है, इपिडिडेमिस, जिसको अधिवृषण कहते हैं। इपिडिडेमिस क्या है, यह नली समान संरचना है यानी ट्यूब है जो दोनों टेस्टिस से चिपके रहता है। इपिडिडेमिस से एक नली निकलती है जिसे शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस कहते हैं। तो इपिडिडेमिस याद रखो चाहे वास डिफरेंस याद रखो, एक ही बात है। आगे है वास डिफरेंस, शुक्रवाहिका करीब 25 सेंटीमीटर, यानी वास डिफरेंस लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली है। वास डिफरेंस में शुक्राणु वृद्धि करता है, यानी स्पर्म ग्रो कहां पर करेगा, वास डिफरेंस में, तथा निषेचन योग्य बनता है, फर्टिलाइजेशन लायक बनता है। वास डिफरेंस के अंदर की ओर उदर में जाकर यानी स्टमक एब्डोमेन के अंदर ही यूरिनरी ब्लैडर से जुट जाता है। नर में यूरिनरी ब्लैडर का प्रजनन मार्ग एक ही होता है, यानी नर में जो स्पर्म के फ्लो होने का रास्ता है और यूरिन के फ्लो होने का रास्ता है वह क्या होता है, एक ही होता है, जबकि फीमेल में दोनों पाथवे जो है वो क्या है, सेपरेट है, अलग अलग है। याद रहेगा मेल में स्पर्म के फ्लो होने का और यूरिन के फ्लो होने का मार्ग एक ही है। आगे है सेमिनल वेसिकल्स, जिसको शुक्राशय कहते हैं। प्रत्येक वास डिफरेंस अंत में एक शुक्राशय, शुक्राशय मतलब जहां पर स्पर्म स्टोर होगा, जमा होगा, शुक्राशय से जुड़ा रहता है। शुक्राशय एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिससे महत्वपूर्ण रसायन का स्राव होता है, जिसे स्पर्म जो स्पर्म को क्या करता है, पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, यह ग्रंथि यूरिनरी ब्लैडर के आधार पर पाया जाता है, यानी फाउंड लोकेटेड बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इस ग्रंथि में अनेकों प्रकार के ऑक्सीकारक इंजाइम यानी ऑक्सीडेशन वाले इंजाइम पाए जाते हैं, साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं और जिंक का सेक्रीशन होते रहता है, और ये सब मिल करके क्या काम करता है, तो स्पर्म को नरिशमेंट देता है, पोषण देता है। आगे कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे
एक जोड़ी कॉपर ग्लैंड पाई जाती है। इस ग्रंथि से एल्बुमिन नामक प्रोटीन का स्राव होता है जो स्नेहक का काम करता है एवं क्वाइटस के समय चिकनापन प्रदान करता है। फिर पेनिस हो गया, यूरिनरी यूरेथ्रा जिसकी मांसल संरचना के भीतर से गुजरती है उसे पेनिस कहते हैं। और ये मेन क्या काम करता है, तो स्पर्म सेल को जिसको सीमेन के माध्यम से आगे बढ़ाता है और यूरिन को भी बॉडी से पास कराता है। फिर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पहला इसमें क्या हो जाएगा, अंडाशय ओवरी। तो ओवरी में क्या लिखा है, एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है स्त्री में। अंडाशय उदर गुहा यानी एब्डोमेन के पेल्विक कैविटी निचले भाग में स्थित रहता है। अंडाशय में अंडाणु का विकास होता है। ओभा फीमेल गैमिट है, मादा युग्मक है। दूसरा पॉइंट है फैलोपियन ट्यूब, तो ओवरी से क्या जुड़ा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब। यह नली समान रचना है जो दो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर आती है और अंत में गर्भाशय से जुट जाता है। अंडाशय से अंडाणु निकालकर यानी ओवरी से एग को निकालकर फैलोपियन नलिका में लाया जाता है या आ जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी में कट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्यूबेक्टॉमी। आगे है गर्भाशय, तो गर्भाशय में समझ गए, गर्भाशय को बच्चादानी यानी यहीं पर बर्थ फीटस जो होता है वो क्या होता है, डेवलप होता है, इम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। ये सब लगभग हो ही गया है, इसका कितना लंबाई होता है, 7 से 8 सेंटीमीटर। लेकिन जब गर्भधारण होता है उस समय इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 18 से 20 सेंटीमीटर तक हो जाती है। चलिए नॉर्मल इसको आप लोग को हम दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। फर्टिलाइजेशन देख लीजिए, मेल गैमिट का फीमेल गैमिट के साथ संयोजन जुड़ना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मनुष्य में फर्टिलाइजेशन आंतरिक होता है यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कुछ जीवों में बाहरी भी होता है, जैसे मछली उछली में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मानव में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तथा यह फैलोपियन ट्यूब में होता है यानी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फैलोपियन ट्यूब। निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट वृद्धि करके क्या बन जाता है, इम्ब्रियो। पहले क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो विकसित होने के लिए गर्भाशय में आ जाता है, डेवलपमेंट के लिए कहां आएगा, यूटेरस में। कुछ समय बाद भ्रूण की कोशिका यानी इम्ब्रियो की कोशिका और गर्भाशय की कोशिका जुड़ जाती है और जहां पर ये जुड़ती है उसे अपरा हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। क्लियर है, भ्रूण एवं मां के बीच पोषक माने न्यूट्रिशन का और ऑक्सीजन का और अपशिष्ट उत्पादों का यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट भी होगा फिटस का ना, उसका आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, प्लासेंटा के द्वारा होता है। और प्लासेंटा जिस ट्यूब के साथ जुड़ा रहता है उसे एम्ब्रियोनिकल कॉर्ड कहा जाता है। आप देखते होंगे बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नाभि से जुड़ा हुआ कॉर्ड को क्या करते हैं, काट के हटाया जाता है, उस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, अम्ब्रिकल कॉर्ड उसको कहा जाता है, ठीक है। और अम्ब्रिकल कॉर्ड किसके साथ अटैच रहता है, प्लासेंटा से। नेक्स्ट है क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी हो ही गया है, पढ़ लो एक बार। कभी कभी महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो जाते हैं, ऐसी महिला का अंडाणु ओभा शल्य क्रिया माने ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल करके पेडिट्रिस में पोषण माध्यम में रखा जाता है। पेडिट्रिस मतलब वही ट्यूब, ठीक है, उसमें पोषण के लिए रखा जाता है। उसके बाद महिला के पति के शुक्राणु को अथवा पुरुष दाता, ठीक है, स्पर्म डोनर जो होते हैं उसके शुक्राणु को, शुक्राणु से अंडाणु का क्या कराया जाता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF बोलते हैं। निषेचन के बाद जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तब उसे माँ के यूटेरस में रोपित कर दिया जाता है यानी भेज दिया जाता है, डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न शिशु को परख नली शिशु या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना आपको, IVF में और टेस्ट ट्यूब बेबी में। IVF फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया जो शरीर से बाहर हो रहा है, और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जिस जाइगोट को डाल दिया जा रहा है इम्ब्रियो में, उस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, जो संतान जन्म लिया और इसमें जो फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। कभी कभी वास्तविक माँ, अब देखो कई सारे केस में क्या होता है, ध्यान से देखना, कभी कभी वास्तविक माँ गर्भधारण में असमर्थ होती है, ऐसी स्थिति में कोई अन्य महिला स्वेच्छा से उसके लिए गर्भधारण कर सकती है, इसको बोला जाता है सेरोगेट मदर। क्या बोला जाता है, सेरोगेट मदर, ठीक है। जो असमर्थ है, जो नहीं कर सकती है गर्भधारण,
तो वो किसी की अगर सहायता लेना चाहे, दूसरी महिला का सहायता लेना चाहे, तो वो सेरोगेट मदर कहलाती है। लेकिन अगर सेरोगेट मदर को किसी भी प्रकार का लालच देकर के उसको किया जा रहा है तो ये इलीगल है। अगर वे स्वेच्छा से करना चाहती है, माने एहसान के रूप में करना चाहती है, तो ठीक है। लेकिन अगर कानूनी रूप से पता चला कि उसको कुछ पैसा देकर के यह काम कराया जा रहा है, तो यह इलीगल है, कानूनन अपराध है, ठीक है। तो सेरोगेसी स्वेच्छा से ठीक है, लेकिन अस्वेच्छा से क्या है, कानूनन अपराध है। चलो इसमें देख लो, कभी कभी माँ गर्भधारण में असमर्थ होती है, ऐसी स्थिति में कोई अन्य महिला स्वेच्छा से उसके लिए गर्भधारण कर सकती है, ऐसे माँ को सेरोगेट मदर कहा जाता है। पैसे देकर सेरोगेट मदर तैयार करना कानूनन अपराध है। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको देख सकते हैं। स्त्रियों में प्यूबर्टी के दौरान आंतरिक जनन अंगों में परिवर्तन चक्र चलता है, यह चक्र 28 दिनों तक चलता है एवं 28वें दिन इसकी के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी दोबारा रिपीट 28 दिनों के बाद। मासिक चक्र के बीच में, यानी बीच का दिन कौन सा हुआ, 14 डेज, अंडाशय से एक परिपक्व मतलब डेवलप्ड एक बाहर निकलता है और अंडाणु बाहर निकलता है अगर 36 घंटे तक, यानी जीवित वो फैलोपियन ट्यूब में कितना घंटा रहेगा जी, 36 घंटा, और 36 घंटा तक अगर उसे नहीं मिला क्या शुक्राणु, तो वो निषेचित नहीं हो पाता है, वह बेकार हो जाता है। शुक्राणु फैलोपियन नलिका में पहुंचकर कितना घंटा जीवित रह सकता है, 12 घंटा। ध्यान दोगे, स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में कितना घंटा जीवित रहेगा, 12 घंटा, और फैलोपियन ट्यूब में ओभा कितना घंटा जीवित रहेगा, 36 घंटा। और इस बीच में अगर दोनों नहीं मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको वहीं पर कहीं मेंशन कर लेना ताकि याद रहेगा आपको, फैलोपियन ट्यूब में ओभा जो होगा वह 36 घंटा जीवित रहता है। फैक्ट बेसिस क्वेश्चन यहां से बनता है, फैलोपियन नलिका में ओभा जो होगा वह 36 घंटा जीवित रहेगा और शुक्राणु जो होगा वह 12 घंटे जीवित रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, ऑनलाइन में गुड मॉर्निंग लोग बोलता है, वाह। चलिए हो गया, ये क्लियर है। शुक्राणु फैलोपियन नलिका में 12 घंटे जीवित रहता है यद्यपि अंडाणु 36 घंटे, अंडाणु 36 घंटे, हो गया। आगे देखिए, अगर अंडाणु निषेचित नहीं होता, यानी फर्टिलाइजेशन उसका नहीं हो पाया, तो मासिक चक्र के अंतिम दिन, यानी 28वें दिन, निषेचित नहीं हुआ तो 28वें दिन क्या होगा, रक्त के साथ म्यूकस के साथ, म्यूकस कहां से, इंडोमेट्रियम से, ठीक है। इंडोमेट्रियम को तोड़ा तो क्या बना, म्यूकस होता है, और गर्भाशय की टूटी कोशिका मतलब मायोमेट्रियम, यहां पर क्या हो गया, म्यूकस माने इंडोमेट्रियम, और यहां पर क्या हो गया, मायोमेट्रियम, दोनों के साथ बाहर निकलता है तथा अंडाणु वेजाइना के रास्ते बाहर आ जाते हैं, इसको मासिक स्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अगर अंडाणु शुक्राणु से निषेचित हो जाता है तो निषेचित अंडे विकसित होने के लिए कहां आ जाते हैं, गर्भाशय में, यानी यूटेरस में आ जाते हैं, और गर्भधारण की संपूर्ण अवधि में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, जितना देर जो गर्भ अवधि का होगा, ठीक है, प्रेगनेंसी का होगा, उतना दौरान अंडाणु का निर्माण नहीं होगा और मासिक चक्र जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वह रुका रहता है। गर्भ में शिशु का विकास होने के लिए 40 सप्ताह यानी 9 महीने 10 दिन का समय लगता है। इसके बाद शिशु मां के गर्भ से बाहर आ जाते हैं। संतान उत्पत्ति की यह प्रक्रिया पार्चुरीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, पार्चुरीशन, यानी पूरा का पूरा यह जो समय है 9 महीने 10 दिन का वह पार्चुरीशन पीरियड कहलाता है। कौन पीरियड, पार्चुरीशन, नोट कर लो, पार्चुरीशन पीरियड लिख करके डैश देकर के लिख लेना, पार्चुरीशन पीरियड डैश देकर के लिख लेना, उसमें डैश देके 9 महीना 10 दिन, जितना देर गर्भाशय में रहेगा ना इम्ब्रियो उस दौरान उसको कहते हैं पार्चुरीशन पीरियड। वो अनडेवलप्ड चाइल्ड जन्म लेता है, फिर सर्जरी से उसको बाहर निकालना पड़ता है, बहुत खतरनाक होता है वो के सब केस। रेयर केस में जीवित भी रह जाता है। अब चलिए नेक्स्ट है, प्रमुख यौन रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एक कौन सा है, कैंडिडा एल्बिंकिस, यह रोग ईस्ट के संक्रमण से होता है। इस रोग में पेनिस के
अगले भाग में तथा महिलाओं के बाह्य जनन अंग में इचिंग का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनियसिस, यह रोग प्रोटोजोआ के कारण, ये दोनों लिख लो, कैंडिडा एल्बिंकिस लिखना, एसटीडी लिख करके लिखना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एक छोटा सा हेडिंग बना लेना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी, और डैश दे करके लिख लेना कैंडिडा एल्बिंकिस। केवल इसमें आपको लिखना है इन्फेक्शन ऑफ, इन्फेक्शन बाय ईस्ट, बीमारी का नाम लिखिएगा कैंडिडा एल्बिंकिस, और डैश दे करके लिख लीजिएगा इन्फेक्टेड बाय ईस्ट, यानी ईस्ट से होता है। दूसरा बीमारी लिख लीजिएगा ट्राइकोमोनियसिस, और डैश दे करके लिख लीजिएगा इन्फेक्टेड बाय प्रोटोजोआ। केवल किससे होता है वो याद रखना है, हो गया। आज सोचे थे इकोलॉजी भी खत्म हो जाएगा, बस इसी में रह गए। तीसरा बीमारी लिख, गोनेरिया लिख लेना, गोनेरिया सिफिलिस तो पहले पढ़ाए हैं ना, है? गोनेरिया भी हो गया, सिफिलिस भी हो गया, हर्पिस भी पढ़ा दिए थे, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यही दुगो नहीं लिखे थे। चलिए नेक्स्ट लिखिए एड्स, एड्स भी जान ही रहे हो, एड्स भी पढ़ाए हैं, यह भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। एचआईवी किस वायरस से होता है वही सब लिखा हुआ है। हाँ अब देखो यहां पर तीन पॉइंट लिख लेना, एक लिखना है वीवीपेरस, वीवीपेरस किसको कहते हैं, जिसमें प्लासेंटा का निर्माण होगा उस जीव को क्या कहते हैं, वीवीपेरस, ठीक है, यानी जो जीव प्लासेंटा के निर्माण के द्वारा अपने शिशु को पोषक तत्व देता है उसको कहते हैं वीवीपेरस। वीवीपेरस लिख के डैश दे करके लिख लेना, जिसमें प्लासेंटा पाया जाता है, जिन जीवों में प्लासेंटा पाया जाता है उन्हें वीवीपेरस कहते हैं। मोटा मोटी समझ लो, जो बच्चे को जन्म देते हैं उसको क्या कहते हैं, वीवीपेरस। और दूसरा लिख लेना ओवीपेरस, ओवीपेरस यानी जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, जो अंडे देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं देते, उनको ओवीपेरस कहते हैं, ओवीपेरस। ओवीपेरस में कौन कौन आ जाएगा, पक्षी, सरीसृप, रेप्टाइल्स जितने सारे हैं सभी ओवीपेरस में आ जाएंगे, बर्ड्स, एप्स ग्रुप जो होगा वो भी ओवीपेरस में आएगा। ये दोनों पॉइंट तो करा ही दिए थे, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये लिखा है आपने, एमिनोसिटिस, लिंग परीक्षण, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, इतना ही था इसमें, क्लियर है। अच्छा ये प्लांट वाला जो था, हाँ प्लांट का हम लोगों ने किया हुआ है ना पहले से, प्लांट में देखो इसको कल थोड़ा सा बता देंगे फिर से, इसमें इंपॉर्टेंट जो प्लांट में है वो ये सब है, ये सब आपको हम पहले लिखवाए थे क्या, फर्टिलाइजेशन में एमिनोफिलस किसको कहते हैं लिखवाए हैं ना, पॉलिनेशन अगर वायु के द्वारा होता है तो एनिमोफिलस, सब नहीं लिखवाए हैं, लिखवाए होंगे, कीट के द्वारा होता है तो एंटिमोफिलस, ये सब जरूरी है, और इसमें वो थोड़ा जरूरी आ जाता है ये वाला। अच्छा ठीक है, उसको फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट क्या कहते हैं ये अगले क्लास में कर लिया जाएगा, आज के लिए इतना ही, इतना ही रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे इसके आगे होगा।